पार्ट करते हैं बेटा। अब अगर बोर्ड्स में बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो बेटा अल्टीमेटली इस पूरे कोर्स का टॉपिक कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स बेटा। 40 मार्क्स किसके होते हैं? 40 मार्क्स मैक्रो और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। और सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस सभी बढ़ना, उसके पहले आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए कि सर इंडिया क्या था। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि जब ये ब्रिटिशर्स का रूल आया उसके पहले आपको इंडिया है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं तो बोलता हूँ बिफोर, पहले आपको इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आपका चैप्टर ही है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की क्या थी, मैं तो बोलता हूँ भारत के गुलाम होने से पहले अगर अपन सन 1400 और 1500 की बात करें तो वो जानना बहुत जरूरी है आपको कि भारत आजादी के गुलामी के पहले क्या था। तो अपन बात करेंगे भारत इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो बेटा अगर मैं आपको बात करूं तो भारत एक वो देश था जिसकी स्मृति, अगर मैं आपको बात करूं तो भारत वर्ल्ड का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे संपन्न देश माना, सबसे मतलब सर क्या, क्या सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, कि सबसे बेटा सबसे संपन्न देश, सबसे संपन्न देश आपका भारत ही माना जाता था। आपका भारत देश ही, थोड़ा सा अगर अपन मैप को बनाने की कोशिश करें तो वो सबसे संपन्न देश भारत ही माना जाता था। अगर अपन बात करें सर क्यों सबसे संपन्न देश भारत ही माना जाता था, तो क्यों सारे सारी कंट्रीज, ऐसा नहीं कि आपको ब्रिटिशर्स ने अटैक करने की कोशिश करी, आपको फ्रेंच ने भी अटैक करने की कोशिश करी, आपको पोर्टुगीज ने भी अटैक करने की कोशिश, आपको सर ब्रिटिशर्स, ये जो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड है इन्होंने भी अटैक करने की कोशिश करी थी। तो सर क्यों ये देश, उसके पहले आपको मुगलों ने अटैक किया था, तो सर कहने का मतलब है, और उसके पहले आपको ये जो चाइना से मंगोले होते हैं मंगोलों ने भी अटैक किया था, तो सर इन सब लोगों को, सबको इंडिया ही क्यों आना था? सर इवन ब्रिटिशर्स को इंडिया आना था, फ्रेंच को इंडिया आना था, पोर्टुगीज को इंडिया आना था, और इंडिया की बड़ी इज्जत किया करते थे, इंडिया की बड़ी इज्जत किया करते थे, सबको इंडिया ही आना था। तो फिर इंडिया में ऐसा क्या था, तो सबसे पहले तो बच्चे ये बात को समझ लें बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से कि जो तुम्हारा इंडिया था, अगर मैं उस इंडिया की कल्पना करूं जो इस गुलामी के पहले था, जो इंडिया था, तो बेटा उस गुलामी के पहले वाले इंडिया में जो यहाँ का लटका हुआ बांग्लादेश है ना बेटा, वो बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट कहा जाता है। हाँ सर, ये बांग्लादेश है ना, वेस्ट बंगाल के, सर जो पूरा पाकिस्तान है, जो पूरा पाकिस्तान है, फिर उसके पास चिपका हुआ अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान, फिर उसके बाद का अफगानिस्तान, पहले तो पाकिस्तान, फिर उसके पास का अफगानिस्तान, फिर उस नीचे का थोड़ा सा जो श्रीलंका अटका हुआ है, श्रीलंका, और ये जो अभी मैं आपको बता दूं ये जो करण नेपाल है, वो जो नेपाल है वो भी आजादी के बाद ही बना, तो ये नेपाल भी अपना ही हिस्सा था। और मैं आपको बता दूं 1963 के वॉर में अपन ने इतना हिस्सा, इतना अपनी जमीन का इतना हिस्सा चाइना से अपन हार गए थे, तो सर क्या ये इंडिया था? हाँ यार बेटा, जो चाइना का पार्ट है वो भी इंडिया ही था। तो सर अब मैं देखो एक ऐसी बात बोलूं कि अभी की तारीख में, आज की तारीख में बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, अगर आज की तारीख में भी अपन कंपेयर करें, जैसे मुझे कुछ मत करो, मेरे साथ क्या करो, इंडिया को ऐड कर दो पाकिस्तान के साथ, कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और ये जो चाइना वाला पार्ट है, बस ये सब ऐड कर दो। अगर ये सब भी ऐड कर दें आज, अगर ये सब भी ऐड कर दें आज, और अपन सब एक संपन्न नेशन हो जाए, आपस में कोई झगड़ा नहीं, आपस में कोई वॉर नहीं, अगर ये सब अपन कर दें, अगर ये सब अपन कर दें, तो मुझे बताओ आज इंडियन इकोनॉमी और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होता है, जो कश्मीर का मुद्दा चलता है, जो इस पे अपने रिसोर्सेस खराब होते हैं, जो नीचे का श्रीलंका है अगर वो भी अपने अंदर ही जुड़ जाए, और सर उसके आगे का अफगानिस्तान भी थोड़ा सा अपने ऊपर ही जुड़ जाए, और फिर यहाँ का सर बांग्लादेश भी अपना ही हो जाए, तो मुझे सिर्फ इतना सा बता, आज फिर इंडिया से बड़ा देश पूरे वर्ल्ड में कौन सा होगा, चाहे एरिया वाइज, फिर चाहे पॉपुलेशन वाइज, फिर चाहे समृद्धि वाइज। तो अगर मैं देखो बताना चाहूँ तो पहले उस इंडिया, उस भारत, उस हिंदुस्तान की बात कर, वो ब्रिटिशर्स के आने के पहले था, जो आज तूर में हिंदुस्तान दिख रहे हैं वो तो हिंदुस्तान के बहुत टुकड़े हुए हुए हैं। यू आर मी आर लिविंग इन इंडिया विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया, एक्चुअल इंडिया वॉज, आपको मैंने बोर्ड पे दिखा दिया सर, ये था एक्चुअल इंडिया, ये था संपूर्ण भारत, मतलब यहाँ पे आगे आगे तक अपना एरिया था, बहुत ज्यादा एरिया,
किसी ने वो पिक्चर देखी कौन सी वाली अपनी केसरी, तो जब केसरी में जो अपने जवान खड़े होते थे वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान के किसी किले के आसपास खड़े हुआ करते थे। तो सर कहने का मतलब क्या, पहले लाहौर अलग नहीं था, पहले लाहौर वॉज प्योरली पार्ट ऑफ इंडिया। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो, मैं आपको धीरे धीरे आपके टॉपिक तक ला रहा हूँ बताते हुए कि सर ये इंडिया की समृद्धि थी। तो इंडिया में इतना पैसा, इंडिया को ऐसे नहीं, मैं आपको लिटरली बोला जाता हूँ, इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया। तो अगर बच्चा ये समझे सर इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला था तो वाकई में इतना गोल्ड था बेटा? हाँ बेटा, अपने पास इतना गोल्ड था कि मैं आपको एक बात दूं, सिर्फ बहुत गरीब लोग छोड़ दूं इंडिया के, मतलब मैं की बात कर रहा हूँ, मैं राजा चंद्रगुप्त के टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं पांडवों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अगर चंद्रगुप्त की बात करूँ तो अपन ने पढ़ा हुआ है चोलास, ये कहते हैं इसके बारे में, चाणक्य के बारे में बात करूँ तो जो हमारे यहाँ के लोग जो बर्तन यूज किया करते थे ना बेटा, वो भी स्टील तो बहुत छोटी बात है, अपन चांदी के बर्तन में अपने यहाँ के नॉर्मल लोग खाना खाया करते थे। जो एक्चुअल रईस राजा महाराजा वो तो गोल्ड से नीचे कभी उतरते नहीं थे, वो गोल्ड के बर्तनों में खाना खाया करते। सर क्या आज भी ऐसा पाया जाता है कि इंडिया के, भारत के बहुत सारे मंदिरों के अंदर जो तो भगवान की मूर्तियां बनी हुई है सोने की, अगर उन सोने को काउंट किया जाए तो वो भी कम से कम 10,000 करोड़ का सोना होगा भगवान की मूर्तियों का। हाँ यार बेटा, 10,000 करोड़ का सोना होगा भगवान की मूर्तियों का, जो आज है, जो आज है इतना सोना है। सर आज भी कहीं कहीं पे डिगिंग होती है, कहीं पे अभी कुछ एक्सट्रक्शन होता है, तो क्या सर आज भी कहीं कहीं पे डिगिंग होती है, एक्सट्रक्शन होता है, तो क्या सर बहुत सारे जेवरात, बहुत सारे सोने की साउथ में तो बहुत निकलता है बेटा? क्योंकि साउथ के लोगों को जब अटैक हुआ ना अलग अलग जगह से, तो वो साउथ इंडियन यूज टू डू, उन्होंने उनका जितना भी सोना उनकी संपत्ति होती थी ना, वो बोलते हम किसी को ले जाने नहीं देंगे, वो क्या जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब जो उस समय की जमीन गाड़ दी उसके ऊपर बहुत सारी रेती आ गई, कॉन्क्रीट आ गया, आज अपन एक बहुत ऊपर लेवल पे आ गए। क्योंकि अगर आप जमीन को ढंग से गाड़ के देखो तो भारत के अंदर बहुत सारा सोना दबा हुआ पड़ा हुआ है। सर ये था भारत आपका, सर इतना समृद्ध, इतना फ्लरिश क्यों था इंडिया? आपको ये बात भी समझा होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसके तीनों तरफ सी है और तीनों तरफ अलग अलग सी है। यहाँ पे तेरे पास बेटा अरेबियन सी, वाह है सर। सर यहाँ पे तेरे पास बे ऑफ बंगाल है, और सर यहाँ पे तेरे पास नीचे तेरे पास इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो सर ऐसा कौन सा देश है जो ट्रायो में तीन अलग अलग प्रकार के समुद्रों से घिरा हुआ है? तो सर तीन अलग अलग प्रकार के समुद्रों या एक प्रकार के समुद्रों से फर्क क्या पड़ना है बेटा? फर्क पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ का वाटर अलग प्रकार के हैबिटेट्स को जन्म देता है, अलग प्रकार की आपको बिजनेस देता है, अलग प्रकार की फिशरीज, अलग अलग प्रकार के वाटर एनिमल्स को बिजनेस देता है। अरेबियन सी अलग प्रकार का वाटर है, इससे अलग प्रकार की चीजें, फ्लरिशनेस आती है, अलग प्रकार के वाटर एनिमल्स होते हैं, और नीचे हिंद महासागर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस जो हिमालयास है, वो किसके पास है सर? अपने पास है साला। हिमालयस अपना वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक इज द माउंट एवरेस्ट। सर माउंट एवरेस्ट को अभी आप पार्ट पार्ट ऑफ चाइना या पार्ट ऑफ नेपाल है, लेकिन अगर अपन उसको अंडे अंडे की बात करें तो सारा पूरा हिमालयस, पूरा हिमालयस, पूरा बर्फीला स्नो, बोलते ना जो हाइएस्ट स्नोफॉल होता है वो हिमालयस में होता है। तो जब पूरा स्नो भी किसी को देखना हो, आज अपने शिमला जाते हैं या हिमालयस जाते हैं, तो अगर आप देखोगे हमें बहुत अच्छा स्नोफॉल होता है। ये जो क्या बोलते हो कि ग्रीस जाओ ये सब जाओ, सर यहाँ पे जो स्नोफॉल है वैसा स्नोफॉल कभी नहीं हुआ करता था। सर आप बताना क्या चाहते हो, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट अपने पास, वर्ल्ड में हाईएस्ट जहाँ पे रेनफॉल पड़ा जाता है उसको बोलते हैं मानसरोवर। तो सर मानसरोवर हिमालयास के बीच में यहाँ पे है कहीं पे, तो सर मानसरोवर जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल होता है, और सेकेंड नंबर पे होता है चेरापुंजी, चेरापुंजी अपना ईस्टर्न साइड में, तो जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पानी वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल मतलब थोड़ी रेनफॉल होता है, तो वाट जो भारत का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है उसकी फर्स्ट जगह भी मानसरोवर भी अपने पास, चेरापुंजी भी अपने पास। तो इतनी ग्रीनरी यहाँ पे, जितने डेंस फॉरेस्ट है, जितने डेंस फॉरेस्ट है, तो इनको बोला जाता है बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आप कभी ईस्टर्न साइड घूमने चले जाओ, और अगर आप वहां पे शहर कम है गाँव भी कम है, वहां पे जंगल उल्टा ज्यादा है, अगर आप जंगल के अंदर चले जाओ तो उनके इतने डेंस फॉरेस्ट है कि वहां पे कभी सवेरा दिखता ही नहीं है, मतलब इतनी हरियाली, इतनी मेडिसिन, इतनी औषधियां। इवन अगर आज आप बोल रहे हो कि कोरोना के चक्कर में भारत से मेडिसिन मांगी गई, तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री चेक कर लो या अभी का वर्ल्ड का डेमोग्राफिक चेक कर लो, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज बोलती हैं कि जो अपना इसके आसपास हरिद्वार के ऊपर आता है आपका ऋषिकेश, तो हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास
जितने जंगल और जितने प्लांट्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मेडिसिनल प्लांट्स हैं। बोले यहाँ पे जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं वो कहीं नहीं पाई जाती। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट, थार डेजर्ट, वो साला अपने पास। तो सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एरिया वाइज सोच लो, अगर आप एरिया वाइज सोच लो, तो अगर आपको आज यूएस से, यूएस को बड़ा मानते हो, चाइना को बड़ा मानते हो, या रशिया तक को बड़ा मानते हो, सिर्फ ये सब जोड़ के देख लो उस समय इंडिया ने क्या राज किया हो, क्या राज किया। और सर उस समय तक ना वर्ल्ड की कोई कंट्री डेवलप थी? बिल्कुल कोई कंट्री कुछ डेवलप नहीं। अगर आपको पता हो कि वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन होती है, जो प्रॉपर तरीके जीने का ढंग होता है, वो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि वो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जहां पे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसके बारे में पढ़ा होगा। तो सर वर्ल्ड को जीने का तरीका, हाउ टू लिव, कैसे कम्युनिटी फॉर्म करके कैसे लेना है, वो कहाँ से आता है? वर्ल्ड की सबसे ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत कही जाती है। तो सर संस्कृत कहाँ से? यहाँ से, ये जहाँ से ये बेटा है सर। आपकी जो बहुत सारी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। सर आपने अभी तक सिर्फ क्या बताया बेटा? अब तो मैं अपना पार्ट को चेंज करता हूँ। मैंने आपको बताया ये तुम्हारा इंडिया था, और मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता के आगे बढ़ना चाहूंगा कि आज अगर मैं देखो बोलूं कि यूएस को टॉप पे इसलिए बोला जाता है वर्ल्ड के अंदर, यूएस को इसलिए टॉप पे बोला जाता है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि यूएस के पास 32%, 32% शायद अब तो चेंज हो गया, शायद 29% वर्ल्ड ट्रेड का शेयर। मतलब जो वर्ल्ड में इतना सारा ट्रेड होता है तो उसमें से 29% इनकम कौन कमाते हैं? यूएस। तो चाइना कितनी कमाता है? चाइना 26% कमाता है, इंडिया 8 या 10% कमाता है, रशिया 15% कमाता है, ऐसे अलग अलग देश कमाते हैं। तो सर अगर अपन ढंग से बात करें तो अगर यूएस आज टॉप पे क्यों है और चाइना नंबर सेकंड पे फिलहाल क्यों है, क्योंकि यूएस के पास वर्ल्ड ट्रेड का, वर्ल्ड इकोनॉमी की जो पैसा है, वो जो ट्रेड से पैसा कमाता है, उसका 29% शेयर है। देन सेकेंड नंबर पे अब चाइना है, थर्ड नंबर पे ये आपका ब्रिटिश हो गए, रशिया हो गया, जापान हो गया 15%, इंडिया 10% या 9% के आसपास का शेयर रखता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई भी दो या तीन देश जुड़ जाए, सिर्फ इंडिया और चाइना जुड़ जाए या इंडिया और रशिया जुड़ जाए, तो क्या हम यूएस को हरा सकते हैं? हाँ बेटा, यूएस को भी हरा सकते हो आप, चाइना को भी हरा सकते हो। तो सर अगर ऐसे जुड़ जाए तो क्या वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमी अपन बन जाएंगे? हाँ। इसका मतलब जो आज अमेरिका पोजीशन एंजॉय कर रहा है बीइंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसकी पोजीशन कभी भी खतरे में है अगर दो देश जुड़ जाए, कोई भी दो या तीन देश जुड़ जाए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सन 1400 से 1500 की बात, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इंडिया वॉज सपोज टू हैंडल 91% ऑफ द वर्ल्ड। सर ये फिगर बहुत गंदा बता दिया आपने कि अगर 91% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड अपने पास था, मतलब पूरा वर्ल्ड, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो खैर अपने ही था, चाइना, यूएस, जर्मनी, मॉस्को, जापान, रशिया, ये सब मिला के 9%, ये सब मिला के 9%। क्योंकि बेटा अभी का जो तुम चाइना भी देख रहे हो, उस चाइना का भी बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के पास ही था। अगर आप चेक करोगे तो तुम्हारा चाइना भी है, आधा चाइना इंडिया का था। तो सर अगर अभी भी ये सब जोड़ लें तो अपन भी 20-25% तो बन ही जाएंगे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, हाँ बेटा बन जाएंगे। और अगर तुम तो थोड़ा सा चाइना का भी हिस्सा जोड़ ले तो फिर और ही बन जाए। तो वर्ल्ड का 91% ऑफ द ट्रेड आपके पास था, क्योंकि वर्ल्ड का 91% ऑफ द ट्रेड आपके पास था, तो हर गरीब देश जो थे उस समय के, ये ब्रिटेन ब्रिटेन कोई रईस देश नहीं थे उस समय के, हाँ ये छोटे मोटे देश, इन्होंने अच्छी आर्मी फॉर्म कर ली थी, इनको थोड़ा बहुत इन्वेंशन आते थे, इनको सिर्फ भारत की सरजमीन पर आने की इच्छा थी। अब सर आगे बढ़ते हैं, सर आज का इंडिया कैसे चेंज हुआ? बेटा इंडिया पे बहुत सारे अटैक हुए। मोहम्मद गजनी ने अटैक किया अपने को करीबन 17 बार, 17 बार मोहम्मद गजनी ने अपने को अटैक किया, मोहम्मद गौरी ने अपने को अटैक किया। और सर अटैक में होता क्या था, व्हाट दे यूज्ड टू डू, अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ 1500 से 1600। सर ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं देखो समझा पाऊँ कनेक्शन क्या है। तू जो देश में रह रहा है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तुझे को बता रहे हैं, उसके लिए देखो बहुत अच्छी पता होनी चाहिए कि 1500 से 1600 के बीच में वी वर अटैक्ड बाय मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। अच्छा ये कोई सल्तनत के राजा नहीं थे कि जिन्होंने कोई राज करना चाहा, इन्होंने सिर्फ इंडिया को लूटना चाहा। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, आते थे यहाँ पे गुजरात साइड में या साउथ साइड में, ये आके यहाँ का सोना लेकर आते। 17 बार मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया, मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया,
अलग अलग प्रकार के। सर यहाँ से बहुत बार अगर आपने बहुत सारी मूवीज देखा तो मंगोले, मंगोले मतलब चाइनीज, जो पुराने जमाने में चाइनीज को बोलते हैं मंगोले, तो मंगोलों ने बहुत सारे यहाँ के जो पूरे एरिया था इसकी बात कर जाए ना, उन्होंने इंडिया को बहुत सारा अटैक किया और यहाँ का गोल्ड 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 से गोल्ड उठा के ले जाते थे बहुत सारा। आपको पता नहीं होगा कि बहुत सारे, क्योंकि कुछ कुछ लेडीज के अंदर हाथ में जो अपनी जो आज की आपकी मम्मी और मेरी मम्मी जो एक कंगन पहनती है ना, यहाँ यहाँ के कंगन गोल्ड के हुआ करते थे, तो व्हाट दे यूज टू डू, क्योंकि वो कंगन निकाल नहीं पाते थे तो पूरी पूरे लड़कियां ले जाते थे कि इनके हाथ में इतना गोल्ड है। तो ऐसे और बताऊं उसके कारण होता क्या था, देयर आर मेनी वुमेन्स जो वेल वेल के अंदर अपनी जान दे देती कि ये गोल्ड के चक्कर में हमको ले जाएंगे देन अपने देश में ले जाएंगे। तो सर क्या इतनी बार इंडिया से सोना 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 निकाला गया, इतना सारा इंडिया को लूटा गया, उसके बाद इन सब के लूटने के बाद भी इंडिया गोल्डन बढ़ गया सोने की चिड़िया, इतना इतना रिसोर्सेस, इतना रिसोर्सेस। तो सर उसके बाद क्या हुआ, सर अब बात करें 1600 से, तो 1650 के आसपास से अब आना शुरू हुए ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज, इन दोनों की एक रेस लगी कि इंडिया में कौन ढंग से पांव जमा पाता है। तो पोर्टुगीज की बहुत इच्छा थी लेकिन पोर्टुगीज नहीं जमा पाए, ब्रिटिशर्स जमा गए बाय द नेम ऑफ ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स आए और इंडिया के अंदर ट्रेडिंग शुरू करी अलग अलग प्रकार से। सर ट्रेडिंग के थ्रू उन्होंने इंडियन आर्मी पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू करा बाय गिविंग द न्यू वेपन्स, राजा महाराजाओं को अलग अलग नए नए वेपन सिखा के। अब क्या हुआ, उन्होंने राजा एक्स को भी अपना वेपन दिया, राजा वाई को भी अपना वेपन, जो एक्स और वाई के आपस में घमंड आ गया कि हमारे पास अच्छे वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी वाली बंदूकें हैं, तोपे हैं, ये सब है और नई नई तोपे हैं। तो इन राजाओं को लगा कि हम एक दूसरे पे वॉर करके आगे बढ़ सकते हैं, तो इन्होंने अपने वॉर करना शुरू करे। अब इनको वॉर के लिए और वेपन्स की जरूरत पड़ी और वेपन्स दे कौन रहा था, अगेन ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने बोला राजाओं को कि यार तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, बार बार वेपन्स हमसे लेने पड़ते हैं, तो क्यों ना हम ही तुम्हारी पूरी आर्मी को मैनेज करें। तो इन्होंने क्या करा, आपकी पूरी आर्मी कंट्रोल हमको दे दो, हम अपने प्रकार से जवान रिक्रूट करेंगे, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे और अपने हिसाब से चीजें करेंगे, आप आराम से राज करो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास तो बहुत हाई टेक्नो से भी वेपन्स हैं। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास नई नई टेक्निक वाले वेपन्स, मेन उनका जो व्यापार था वो इन्हीं चीजों का था, तोपों का, बंदूकों का, अलग अलग चीजों का। और इन्होंने क्या करा, राजा महाराजाओं के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए कि आपके बच्चों को सी के उस तरफ ले जाओ, आराम से वहां पे एंजॉय करें, ऐश करें। तो अपने बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपने बच्चों को, जो उनके युवराज थे, उनको वहां भेज दिया। अब उनको वहां भेज दिया मतलब देश में कोई युवराज नहीं था और पूरी की पूरी सत्ता, हर राजा की सत्ता अपने हाथ में ले ली। बोला नहीं कि हम ले रहे हैं, वो क्या बन गए, अगर वो मिलिट्री कमांड बन गया, अगर आज बोलूं कि मैं एक राजा हूं, मैं मोदी जी भी हूं, लेकिन मेरा मिलिट्री कमांड किसी और देश का आ गया, किसी और बंदे का आ गया, तो क्या वो मुझे भी आउट रूल कर सकते हैं? हाँ, वो मुझे भी आउट रूल कर सकते हैं। जिसने लगान मूवी देखी हो या अलग अलग मूवी देखी हो, वीर मूवी देखी हो, तो उन्होंने दिखाया होगा कि राजाओं की इच्छा थी कि गांव वालों से कर इतना ना ले, गांव वालों को इतना प्रताड़ित ना करें, लेकिन राजा मजबूर थे क्योंकि उन्होंने अपने राज्य अधिकार इसको दे दिए थे ब्रिटिशर्स को। और देन ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे, तो मैं आपको एक मूवी बताऊंगा, मूवी का नाम था ब्लू। अगर आपको वो मूवी देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि उस ब्लू जो मूवी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी, अक्षय कुमार की मूवी थी, कि वो पूरी मूवी इस बात पे है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने करीबन 12,000 टन गोल्ड, 12,000 टन गोल्ड इंडिया का शिप के माध्यम से लेके जा रहे थे और बोल के लेके जा रहे थे भाई हम तो लेके जा रहे हैं, कि सारे ब्रिटिशर्स का वाइंड अप हो रहा था। गांधी जी की अपराइजिंग हो चुकी थी, नया भारत बन रहा था, 1947 में आ चुका हमें। अब ये करीबन 12,000 टन गोल्ड शिपों में भर के लेके जा रहे थे। तो सर आपने उस मूवी के बारे में क्यों बताया, वो मूवी इस बारे में है जो तो आपको बताएगी कि एक शिप ब्रिटिशर्स की डूब गई थी पानी में, सी में, और तो करो पूरा सोना सी में था। हाँ, पूरा सोना सी में था। तो सर अब आता है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे माफ करना पहले 15-20 मिनट आपको ये सब बताने के लिए। अब मैं आ गया अपने मेन टॉपिक पे कि सर इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स तुमको छोड़ के गए, तो ब्रिटिशर्स किस हालात में छोड़ के गए और क्या कंडीशन थी आपकी हर चीज की। अगर अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट था लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी। ये पॉइंट्स आपकी बुक पे ही हैं, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अब मैं आपको आपका पॉइंट्स बता रहा हूँ। सर इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जिस दिन हमको आजादी मिली तो हमारे पास कैसा भारत था, तो
हमारे पास एग्रीकल्चर था विद लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसका मतलब जिस जमीन पे मैं 10,000 किलो अनाज उगा सकता हूँ, उस जमीन पे सिर्फ मैं 1,000 किलो ही उगा पा रहा। तो ऐसा क्यों? जमीन की कैपेसिटी 10,000 किलो थी, लेकिन उसके लिए जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो केमिकल्स चाहिए, जो पेस्टिसाइड्स चाहिए, वो क्या थे? कम थे। तो इसको बोलते हैं बेटा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब हमारे पास जमीन थी, लेकिन उस जमीन पे जो उगावट होती थी, उस जमीन पे जो अपन रिसोर्स को अच्छे से कर पाते थे, आज अपन यूटिलाइज क्यों कर पा रहे हैं? आज भी अपन इसीलिए यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि अपने पास अच्छे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हैं। तो पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सेकेंडली, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो थी बेटा हैवी हैवी डिपेंडेंसी, हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेंट वॉर। तो बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, इसी का पॉइंट को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब, अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अगर मैं आपको इसका कोड बताऊं, तो किसी ने अगर लगान मूवी देखी हो, तो माँ जो स्टार्टिंग पे स्टार्ट होती है, वो मैं सर के तो देखी रहती, कहाँ पे ऊपर कब पानी आएगा, कब पानी आएगा। तो जो हमारी पूरी खेती बाड़ी थी, जो हमारा पूरा एग्रीकल्चर था, पहली बात तो ये बात भी जानना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्स एग्जैक्ट तो 67.8, और अगर अपन अप्रोक्स करें तो 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर। तो तेरे देश में 70% लोग काय में थे? एग्रीकल्चर। तो 70% अगर लोग एग्रीकल्चर में थे, तो वो भी एग्रीकल्चर काय पे था? हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास कोई वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, हमारे पास कुछ कैनाल्स नहीं थे, हमारे पास कुछ डैम्स नहीं थे। तो सर हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल मतलब अगर पानी गिरा तो आपके और मेरे मुंह में अनाज जाएगा, और पानी नहीं गिरा तो आपके और मेरे मुंह में खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, पूरे पूरे गांव खत्म हो जाएगा सूखे के कारण, भुखमरी के कारण। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट जब ब्रिटिशर्स आपको छोड़ के गए। तीसरा पॉइंट, अ वेज बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल, ओनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। ये समझना बहुत जरूरी है सर। बहुत गंदा सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, रोयतावारी सिस्टम और मालवारी सिस्टम। सर इसका मतलब क्या था? ये जमींदारी सिस्टम और ये सब पढ़ेंगे वैसे अपन। इसी पर फोर्थ पॉइंट भी है, इसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। क्या बोलते हैं? लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। सर क्या था उसमें? तो वैज बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल, इसका मतलब जो लोग भारत आजाद, भारत के बहुत सारे नवाब, बहुत सारे जमींदार हुए, उन्होंने अपने नाम पे बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी। अब क्या था? जमीन में से जो भी उगता था, जमीन में से जो भी उगता था वो सब मैक्सिमम ओनर का होता था। तो जो किसान है बेचारा गरीब रहता, बहुत सारे एक्सप्लोटेटिव एग्रीगियन रिलेशन थे। एक्सप्लोटेटिव एग्रीगियन रिलेशन मतलब बेचारे गरीब किसान को इतना प्रताड़ित किया जाता था। अगर मैं आपको बोलूं, एक किसान अपने खेत में खुद का सब कुछ लगा के, सब कुछ लगा लगा रहा है और कमा रहा है, एक किसान अपने खेत में खुद का हल जोत के सब कुछ कमा रहा है, सिर्फ खेत उस ओनर का है। तो अगर वो 100 किलो उगा रहा है, तो 100 किलो में से 70 किलो ओनर का रहेगा, 30 किलो इसका रहेगा, और वो 30 किलो इसकी फैमिली के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। तो जितना भी उगा रहा है उसका 70% इज ऑफ ओनर, 70% इज ऑफ ओनर, और 30% इज ऑफ द वेंडर इटसेल्फ। तो सर इससे क्या हुआ? ये बेचारा कभी आगे ही नहीं आ पाया, ये कभी आगे नहीं आ पाए, ये पीछे रह गया। तो सर ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे पास जो अगला पॉइंट पड़े, तो अगला पॉइंट था हमारे पास बैकवर्ड बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सर क्या हमने इंडस्ट्रीज पे कोई वक्त रखे रखा था? नहीं बेटा, वी आर नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं कर चुके थे, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही पीछे था, बहुत ही बैकवर्ड था उस समय। तो सर क्या ये आपने पहली बात तो मैंने अभी आपको मेनली बताया इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सर ये पॉइंट्स उतारने की प्रॉब्लम थी, मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्ड। सर ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या? किसानों के पास, जिनके पास गलती से भी जमीन थी, जिनके पास गलती से भी जमीन थी, तो जमीन ऐसी थी कि मेरी जमीन यहाँ पे, ये एक ही जमीन है,
उसके बीच में बी की जमीन आ गई, उसके बीच में सी की जमीन आ गई, और फिर जाके थोड़ी सी ए की जमीन और है, फिर यहाँ पे भी बी की जमीन है, और फिर यहाँ पे ए की जमीन है, फिर यहाँ पे जाके बी की और जमीन। तो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे हो? इसका समझाना ये मतलब चाह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे बोले सर आपकी कोचिंग ही एक ही एरिया में हम 10 अलग अलग हिस्सों में आपको रूम दे दें, तो क्या मेरी इफिशियंसी बढ़ जाएगी क्या? मेरे को पूरी कोचिंग एक जगह नहीं दी, सब तोड़ तोड़ के दे दी, सर फिर आप सारी कोचिंग को पढ़ा कैसे पाओगे? क्योंकि आपका तो जरा सा हिस्सा यहाँ पे, जरा सा हिस्सा वहां पे, जरा सा हिस्सा वहां पे। तो सर ये पांचवी प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर की, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या हुआ? लैंड होल्डिंग बटी हुई थी, जिससे ए को अपनी जमीन कंटिन्यूस में नहीं थी, तो ए सोचता था मैं यहाँ की खेती बाड़ी करूँ कि वहां की करूँ कि यहाँ को संभालूँ। तो सर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसपे गाँव वालों का आपस में बहुत बार झगड़ा हुआ करता था। सर वॉट नेक्स्ट? लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस, तो सर लैक ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या? क्या किसानों के पास जो एक्चुअल वर्कर्स हैं, क्या उनके हाथ में पैसा था? क्या वो अच्छी क्वालिटी के ये यूज कर सकें, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर सकें, या नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकें? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो ये हमारी अगली प्रॉब्लम थी बेटा, लैक ऑफ व्हाट? लैक ऑफ फाइनेंस, कि किसान जो एक्चुअल बेचारा उगाने वाला है, जिसको उसमें से आउटपुट निकालना है, सर इसीलिए तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। सर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसीलिए थी क्योंकि वहां पे क्या था बेटा? लैक ऑफ फाइनेंस। सर व्हाट नेक्स्ट? सर एक बात तो ये भी थी कि सब्सिडाइज्ड, या अगर अपन बात करें तो सब्सिडाइज्ड मोड ऑफ फार्मिंग। सब्सिडाइज्ड मोड ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है या सेल्फ सफिशिएंट फार्म। जो भारत का किसान था वो थोड़ा सा, आप मुझे बुरा मानोगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था कि ये लोग जो फार्मिंग करा करते थे वो आज की फार्मिंग नहीं करा करते। आज जो आप और मैं फार्मिंग करते हैं वो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कि अपन सोचते हैं जमीन के हर टुकड़े को अच्छे से उगाएं, अच्छे से डेवलप करें, साल में 2 3 4 बार खेती करें और उस खेती से पैसा कमाएं, उस खेती से बहुत सारा पैसा कमाएं। पहले क्या होता था, किसान का माइंडसेट ये हुआ करता था कि मेरे को सिर्फ मेरी फैमिली को जितना खाना है उतना ही उगाना है, इससे ऊपर नहीं उगाना है। इसका मतलब क्या? अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो बस उनके जितना जितना उनका खाना पीना हो जाए, जितना थोड़ा बहुत उनको चीज चाहिए वो हो जाए, बस उतना ही। तो किसान का जो आउटलुक था, जो एग्रीकल्चर की तरफ नजरिया था, वो कमर्शियलाइज नहीं था कि उसको कमर्शियल कुछ करना है या नए नए क्रॉप उगाने हैं, बाजार जाके बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको ये था कि बस मेरा हो जाए, अगर मेरा हो गया तो मैं शाम को 5 बजे भी घर पे आ जाऊं। तो कहने का मतलब ये इंडियन इकोनॉमी की अगली प्रॉब्लम थी और एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सर क्या अब अपन एक बार देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी